सो गाइस, YouTube पर शॉर्ट वीडियो अपडेट आने के बाद बहुत ज्यादा समस्या हो गई है कि YouTube पर अब शॉर्ट वीडियो बनाए या तो अपने वैल्यूएबल कंटेंट लॉन्ग वीडियो वो वाले बनाए। तो गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। और एक जो अभी कुछ दिनों पहले अपडेट आया था कि 100 मिलियन डॉलर वाला, तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों की समस्या हो गई है कि अब यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो का एक अलग चैनल बनाए या जो हमारा चैनल है उसी पर वीडियो बनाए। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा समस्या हो गई है और यूट्यूब भी ना अब शॉर्ट वीडियो को ज्यादा रीच मिलती है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी करते हैं शॉर्ट वीडियो। तो अब आपको समस्या हो गई है कि हम शॉर्ट वीडियो बनाए या वैल्यूएबल कंटेंट बनाए या लॉन्ग वीडियो बनाए। तो गाइस, इसको लेकर आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि आपको शॉर्ट वीडियो के लिए अलग से चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आपकी कौन सी कैटेगरी है तो आपको चैनल बनाना चाहिए, अगर आप कहाँ तक पहुंचे हो यूट्यूब पर तो आपको यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो का अलग चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, उससे पर जाने। मेरा नाम योगेश मेघवाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योगेश टेक, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ओनली टेक। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सो गाइस, जब से यूट्यूब पर 100 मिलियन डॉलर वाला जो फंड है उसका जो अपडेट आया है, उसके बाद बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी एक अलग चैनल बनाया शॉर्ट वीडियो के लिए। जैसे टेक्निकल गुरुजी हुए, उन्होंने भी एक अलग चैनल बना लिया है। तो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको एक अलग चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस देखो, यूट्यूब पर अलग चैनल बनाना चाहिए उनको जो बड़े क्रिएटर है। एक टेक्निकल गुरुजी ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो अपने वैल्यूएबल कंटेंट डालते हैं पहले से, जो लॉन्ग वीडियो वो वाले डालते हैं। तो अगर हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो बना के डालें तो वो चैनल अच्छा नहीं दिखता। वैसे भी यूट्यूब पर एक नया अपडेट आने वाला है, जो हमारे एक तो होम होता है, एक अपलोडेड वीडियो होता है, एक वीडियो होता है, एक कम्युनिटी होता है, एक अबाउट होता है। तो ऐसे आपको सेक्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ पर अब जल्दी ही एक शॉर्ट का सेक्शन भी आ जाएगा। तो अभी जो नीचे आता है शॉर्ट वीडियो का, तो अलग से तो हो जाएगा लेकिन एकदम चैनल अच्छा नहीं लगेगा। जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं उनके पास हमारी नोटिफिकेशन जाएगी। तो एक लॉन्ग वीडियो की जाए और एक शॉर्ट वीडियो की जाए, एक तो बड़ा वीडियो था उसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और एक शॉर्ट वीडियो में कुछ बता नहीं पाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका चैनल एकदम अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका टेक का चैनल है तो आपको टेक्निकल संबंधित ही एक शॉर्ट वीडियो बनाना होगा। अब जो टेक्निकल गुरुजी है उन्होंने इसीलिए एक अलग चैनल बनाया है और उनकी एक फेस वैल्यू भी है, तो उनका तो बनाना वाजिब है। लेकिन अगर आप नए क्रिएटर हो और आप ऐसी गलती कर देते हो तो आपको भैया ऐसी वाली गलती नहीं करनी है। अगर आपका चैनल नया है तो आप शॉर्ट वीडियो भी डालें और लॉन्ग वीडियो भी डालें। अगर आपकी शॉर्ट वीडियो रैंक करती है तो आप शॉर्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। अगर आपका कॉमेडी का चैनल है तो आप उस पर शॉर्ट वीडियो भी डाल सकते हैं और लॉन्ग वीडियो भी डाल सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो में एक कॉमेडी कर सकते हो छोटी मोटी। लेकिन जो टेक का चैनल है उसमें हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। जैसे टेक्निकल गुरुजी है, उन्होंने एक अलग चैनल बनाया है तो वो कुछ सोच समझ के बना रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकल गुरुजी ने अलग चैनल बनाया तो उस पर वो कुछ भी डाल सकते हैं, अब ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो उनका है खुद का चैनल है टेक्निकल का, उस पर अगर वो शॉर्ट वीडियो में कुछ भी डाले, मतलब टेक्निकल से अलावा कुछ भी डाले, तो चैनल एकदम अलग सा दिखता है और एकदम गंदा सा दिखता है। तो इसीलिए टेक्निकल गुरुजी ने एक अलग चैनल बनाया। अगर आप सोच रहे हो नया चैनल बनाने की, तो भाई आप मत बनाना, जो आपका चैनल है उसी पर शॉर्ट वीडियो डाले। और ये यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो का अपडेट आया है तब से जो बड़े बड़े क्रिएटर अपने मेहनत से वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे, जो फालतू के शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं उन पे व्यू आ रहे हैं तगड़े तगड़े। तो भाई ये वाला मुझे बहुत गलत लग रहा है और यूट्यूब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं क्रिएटर, उनकी वीडियो पर व्यू नहीं आते, तो ये बहुत गलत हो रहा है। जो क्रिएटर है मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उनके साथ, अगर आप एक छोटे क्रिएटर हो तो आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो चैनल नहीं बनाना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और गाइज, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साइड में इंस्टा आईडी दिखाई दे रही है, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।